आज की दुनिया में इंसान धन दौलत और प्रॉपर्टी के लिए सालों तक मुकदमे लड़ता रहता है और जीतने की कोशिश भी करता है। कोई भी अपनी रत्ती भर जमीन भी छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसे में अगर किसी ऐसी जगह के बारे में आपसे बात की जाए जहां अच्छी खासी जमीन बंदरों के नाम पर है तो शायद ही आपको इस बात पर यकीन हो पाएगा। हालांकि ये सच है, हमारे ही देश में एक ऐसा गांव है जहां बंदर जमींदार है और लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं सोनी वेक्स चैनल। महाराष्ट्र के एक गांव में करीब 32 एकड़ की जमीन बंदरों के नाम पर है और उन्हें गांव में काफी आदर सम्मान भी दिया जाता है। उस्मानाबाद में मौजूद उपला गांव में इन बंदरों को न सिर्फ जमीन का मालिकाना हक मिला हुआ है बल्कि उनको बाकायदा इज्जत दी जाती है। उन्हें प्यार से खाना खिलाया जाता है और समारोह में उन्हें आदर मिलता है। उपला गांव में जब भी किसी के घर के सामने बंदर आते हैं तो उन्हें बड़ी इज्जत से खाना खिलाया जाता है। खास मौके पर उनकी उपस्थिति अच्छी मानी जाती है। बाकायदा लैंड रिकॉर्ड्स में उपला ग्राम पंचायत की 32 एकड़ जमीन बंदरों के नाम पर दर्ज है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गांव के सरपंच को भी नहीं पता कि आखिर कब यह क्लोज बनाया गया और जमीन बंदरों के नाम पर दर्ज हुई। यहाँ लगभग 100 बंदर रहते हैं क्योंकि इनकी संख्या घटती जा रही है। बताया जाता है कि पहले बंदर गांव के सभी रीति रिवाजों का हिस्सा बना करते थे। जो 32 एकड़ जमीन बंदरों के नाम पर है उसमें वन विभाग ने पेड़ पौधे लगवा रखे हैं। यहाँ कुछ ऐसे घर भी हैं जो घर भी थे जो सालों से खाली थे और धीरे धीरे अपने आप ही गिर गए। गांव में बंदरों की इतनी इज्जत हुआ करती थी कि शादी विवाह में लोग बंदरों को ही तोहफा दिया करते थे। हालांकि अब हर कोई इस रीति रिवाज को नहीं मानता। हालांकि आज भी जिसके दरवाजे पर जाते हैं उन्हें खाना दिया जाता और कोई भी उन्हें भूखे नहीं जाने नहीं देता। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा अमेजिंग वीडियो? अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।